दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। आम आदमी पार्टी ने आतिशी की तुलना भगवान श्री राम के भाई भरत से की है, जिन्होंने वनवास के दौरान भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर राजमहल से दूर अयोध्या का राजपाट चलाया था। Meanwhile, तो राम राम भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कारी नेताओं का फनी मीम्स क्लिप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है। अच्छा, हमको सिखा रही है। ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। चुप, बिल्कुल चुप। करते हैं वो विदेश में जाके हमारे देश के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। हमारे देश में हर धर्म और जाति के लोगों को अपने धर्म अपनाने की पूरी आजादी है, तो वो क्यों हमारी छवि को, हमारे देश की छवि को ऐसे बना रहे हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं, याद मान लीजिए। क्या छवि बिगाड़ी? डिप्रेशन कर रहे हैं। आप बीजेपी गिराना चाहते हैं, सबका एक सब अपने विपक्ष गिराना चाहते हैं, सच है, मान लीजिए। सब चाहते हैं यहाँ पे बीजेपी गिराना, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। सब चाहते हैं यहाँ पे, आप भी जो विपक्ष में सब गिरा रहे हैं, लेकिन आप देश के बारे में विदेश में जाकर मत बोलिए, ये गलत है। आप देश में जो बोल रहे हैं बोलिए, भारतीय जनता पार्टी, और आप बोल भी रहे हैं उसमें कोई वो नहीं है। आप बाहर मत बोलिए, देश मत, देश का नाम मत खराब कीजिए। बाहर का प्रश्न, लोग पार्टी नहीं देखेंगे कि बीजेपी ने ये किया, पगड़ी नहीं पहने दिया जा रहा, कड़ा नहीं पहने दिया जा रहा। भारत में क्या हो रहा है? भारत का नाम मत बिगाड़िए। आई एम टॉकिंग टू मी इंडियन, सब हो रहा है भारत में, नाम मत बिगाड़िए भारत का। बस भैया जरा हाथ लगा लेना, सारे जने एक एक कह लो, ऐसे हाथ लगा लो, ऐसे हाथ लगाओ। पाकिस्तान तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान तेरा, मिर्जापुर वाले भाई साहब आप ही लगाओ, पाकिस्तान तेरा बेड़ा गरक हो जाए। अगर तू भारत के बारे में बुरा सोचे, अगर तू भारत के बारे में बुरा सोचे, तेरे बच्चों को बवासीर हो जाए। पिक्चर चालू करो बे। अगर ईडी के इतने सख्त कानून के बाद भी जिस जिसको आपने गिरफ्तार किया उन सबको बेल मिली, मनीष सिसोदिया को मिली, के कविता को मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली, संजय सिंह को मिली, तो क्या इस केस के मेरिट पर सवाल नहीं खड़ा होता है? एक वैजे सवाल, वैजे सवाल। तो रुको जरा, सबर करो। राजनीति अभी दशकों से कवर कर रहे हैं एज ए रिपोर्टर, आप मुझे बताइए कि पहली बार लालू जी जिनके ऊपर आरोप लगा वो कब गिरफ्तार हुए? 97 हमारी सरकार नहीं, 2013 में पहली बार कन्विक्ट हमारी सरकार नहीं, समाजवादी पार्टी पर पहली बार डिस्प्रोपोर्शनल रैसिज केस 2006-07 कांग्रेस के लोगों ने लगाया, डीएमके के नेता पहली बार जेल गए 2012, उसके अलावा आप बताइए कि जेएमएम पहली बार कन्विक्ट 94, मैं आज के ही आ रहा हूं, मैं आज पे आ रहा हूं, और आज भी ये लोग करप्ट है, ये बात शहजाद पुनावाला और सीबीआई ईडी नहीं, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर, ये बयान आप दिखा रहे हैं, यही तो बोलते हैं करप्ट है, आप पूछ लीजिए इनसे कि करप्ट मानते कि नहीं मानते, इन्होंने पाला बदल दिया। हाँ देखिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कीमत दे रखी इसकी जुबान, देख ले किस चीज की कीमत, तीन तल्ला क्या मुझे छोड़ दिया, तीन तल्ला क्या छोड़ दिया ना, मुझे निकाल दिया घर से, नहीं तीन तल्ला क्या निकाल दिया ना मुझे, क्या मामला है आप यहाँ का, मामला तीन तल्ला क्या मुझे निकाल दिया इन्हें घर से, और अब दूसरी लुगाई ले आया, नहीं मैं जब मैंने तलाक नहीं दे रखा तो क्यों लाया दूसरी लुगाई, आपका तलाक नहीं हुआ? नहीं मेरा तलाक नहीं आया, कोर्ट के कागज ले रही हूँ सारे, तलाक नहीं आया मेरा। ये कह रही है कि आप, इन्होंने आपको पैसे भी दिए हैं? पैसे दे जो मैंने कमा रखा था वो दे रखे, 14 साल होगी, 14 साल पूरी पूरी जिंदगी मेरी इसमें होगी गोदामों में, कमाता कमाता, और सारी कमाई इसे दी मैंने,
और आप मुझे कीमत दी, कीमत दी, जो पैसे मेरे थे वे मुझे दे दिए ना वापसी। अच्छा। और घर से निकाल दी, 6 लाख मेरे से छुटवा दिए। 3.5 लाख रुपए दिया था, 3.5 लाख में 2 लाख मैंने इसे ऊपर दिया था बनाने को, और 50,000 अपने पीहर से लाके दिया था, और 2 लाख का लोन ठहरा दे रखा मैंने। जब कुरान के अलावा आसमान जो किताबें मजहबी वो पढ़ते हैं वो हमारी नेचर को अपील नहीं करती, वो पैगाम लगता ही नहीं है कि ये किसका है। वो किताब बता रही है कि ये घटिया कौम है, ये ऊंची कौम है, यानी खुदा खुद इंसानों को मुख्तलिफ कौमों में बांट के लड़वा रहा है। खुदा क्यों ऐसा करेगा भाई? गैलेक्सी आकाश गंगा तक साइंस पहुंची है, क्या सब तक पहुंच गई? सारा शोध कर लिया, सारा रिसर्च कर लिया, पर हमारे यहाँ तो कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। तुलसीदास जी ने पहले ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। हमारे यहाँ तो कह दिया ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। चलो बिस्कुट का मतलब क्या, बिस्किट का मतलब 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। सर ये जो पाकिस्तान का रिश्ता है बीजेपी पूछ रही है कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल ये रिश्ता वही कहलाता है टपा टप टपा टप टपा टप वाला। क्योंकि राहुल गांधी का ससुराल है पाकिस्तान में। अरे सनी देओल जब से गए हैं ना कतर में तो राहुल गांधी ने भी अपना ससुराल पाकिस्तान में मनाया हुआ है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तुम भी बनाना चाहते थे क्या? मेरे अंदर फीलिंग है। ए रहा नहीं जाता। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? कितनी चेंज आई है आप देखिए, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, लोगों के माइंडसेट चेंज हुए हैं। तो पहले धीरे धीरे एक जो होता है ना वो एक ज्योग्राफिकल चेंज लानी पड़ती है लोगों को। पहले लोग खुद ही जज करें कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें वो एक बदलाव लाना पड़ता है ताकि लोग फिर उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएँ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट से। यहाँ से एक साइड से हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब दीजिए, दूसरी साइड से अगर सरकार बोल रही है भाई आपको हम स्कीम्स दे रहे हैं आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए सक्षम हो जाइए, गवर्नमेंट जॉब्स हमको सही लग रही है, स्कीम्स हमें उनकी चाले लग रही है, मुझे ये समझ नहीं आता ये माइंडसेट कैसे बन गया है कश्मीर का। लेंगे केंद्र से मगर स्कीम पे सवाल उठा। एग्जैक्टली, मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप देखिए लोग लाखों खर्चने को तैयार है, लेकिन वही आप उनको बोलिए कि आपके लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लाई है ये चीज़ें लाई है तो वो चीज़ें उनको चाल लगेगी क्योंकि उनमें उनको खुद थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ट्विटर पर सवाल आया है कि ये 9वीं-10वीं क्लास में भी फेल हो गए। I was ninth pass. एफिडेविट जाके देखिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही अपने देश और धर्मों से प्यार करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।